हेलो हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ चैप्टर फर्स्ट, पेज नंबर 5. हाउ डू वी नो, आप कैसे जानते हैं. व्हाट सोर्सेज वी हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. भारतीय इतिहास के पिछले 250 सालों के इतिहास को लिखने के लिए हिस्टोरियन किन सोर्सेज का यूज करते थे. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, प्रशासन है वो रिकॉर्ड्स तैयार करता है. वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो अंग्रेजी शासन है उसके द्वारा बनाए गए सरकारी रिकॉर्ड इनमें से महत्वपूर्ण है. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट, अंग्रेज विश्वास रखते थे दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट, कि लिखने का कार्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. उनके अकॉर्डिंग प्रत्येक निर्देश, योजना, पॉलिसी, नीति, डिसीजन, निर्णय, एग्रीमेंट जो सहमति होती थी, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल, इन सभी को साफ साफ लिखना बहुत आवश्यक होता था. वंस दिस वॉज डन, और एक बार अगर इनको लिख लिया जाए, थिंग्स कूड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड, तो चीज़ों को का जो प्रॉपरली यानी कि साफ साफ अध्ययन करना आसान हो जाता है और उन पे वाद विवाद जो बहस करनी होती है वो भी अच्छे से हो जाती है. दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स, और इस समझदारी के चलते मेमोज, ज्ञापन, नोटिंग, टिप्पणी और रिपोर्ट्स प्रतिवेदन पर आधारित है जो शासन की संस्कृति पैदा हुई. द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट, और अंग्रेजों यह भी महसूस करते थे दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड. अंग्रेजों को यह भी लगता था कि जो ये सभी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज एंड लेटर्स, पत्रों को प्रिजर्व्ड होता है, सुरक्षित रखना, ध्यानपूर्वक सुरक्षित रखा जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है. सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, और इसलिए उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो सरकारी संस्थान थे उनके साथ रिकॉर्ड रूम भी बनवाए. द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्टोरेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरेट, द ला कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स. जो तहसील गांव में जो तहसीलदार के ऑफिस थे, द कलेक्टोरेट यानी कि कलेक्टरेट, कमिश्नर के जो ऑफिस थे, दफ्तर थे, प्रोविजनल सेक्रेटरी या फिर जो प्रांतीय सचिवालय थे, ला कोर्ट्स, कचहरी, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स, इन सभी के अपने रिकॉर्ड रूम्स होते थे. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक अकाइव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स, और इसके अलावा जो विशेष जो संस्थान थे महत्वपूर्ण जो दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए, अभिलेखागार यानि कि अकाइव्स और म्यूजियम, संग्रहालयों का जो संग्रहालय थे जैसे संस्थान भी बनाए गए. लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द अकाइव्स, और इसके अलावा जो ये 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से जो दूसरी ब्रांच में जो लेटर या मेमोज भेजे जाते थे वो सभी इन म्यूजियम में यानि कि अकाइव्स, म्यूजियम या फिर अकाइव्स में रखे जाते थे, और इससे उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता था. यू कैन आल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स, और आप उन सभी नोट्स और रिपोर्ट्स को भी स्टडी कर सकते थे दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड, यानि कि जो जिला स्तर पर जो अफसर होते थे वो प्रिपेयर करते थे, उनको तैयार करते थे. और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटर्स,
या फिर जो बड़े पदों पर जो अधिकारी थे प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रांतीय अधिकारियों को जो नोट या फिर रिपोर्ट्स भेजते थे वो हमें आसानी से मिल जाते हैं इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी के प्रारंभ में दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट। इन डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली कॉपी किया जाता था एंड ब्यूटीफुली रिटन बाई कैलीग्राफिस्ट यानी कि जिनकी जो राइटिंग है वो काफ़ी सुंदर होती थी, उनके द्वारा सुंदर राइटिंग में उनकी कॉपी की जाती थी, दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। मीन्स उनकी राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती थी, इस कला में वो स्पेशलिस्ट होते थे सुंदर राइटिंग में। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के मिड में विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, जैसे ही जो ये प्रिंटिंग है छिपाई प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी का फैलाव हुआ, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो उनके छिपाई की टेक्नोलॉजी थी उसके फैलाव के साथ ही ये सभी इन रिकॉर्ड्स की मल्टीपल कॉपीज की जाने लगी, ताकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है यानी कि जो सरकारी विभाग हैं वो प्रोसीडिंग होते कार्रवाई के लिए इन रिकॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा कॉपीज बना लेते थे। द नेशनल अकाइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s। ये जो नेशनल अकाइव्स दिखाए गए हैं इंडिया में केम अप जो 1920 में बनाया गया था, व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट, जब न्यू दिल्ली को बनाया गया, द नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल अकाइव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वायसरगल पैलेस। मीन्स जब नई दिल्ली की स्थापना की गई, जो नेशनल म्यूजियम है यानी कि संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय और जो नेशनल अभिलेखागार थे, वो जो वॉइसरॉय प्लेस है उनके निवास के बिल्कुल पास में लोकेटेड थे, पास ही होते थे उनके। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस दिस इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशंस। और जो इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की जो सोच है इन संस्थानों का कितना सोच में इन संस्थानों का कितना महत्व था। रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट। इन 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज ट्राइंग टू पुट डाउन म्यूटनी दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक जो सरकार है उसने भारतीय जो शाही भारतीय नेवी है उनके जहाज़ों पर सिपाहियों ने बगावत कर दी थी और वो उनको कुचलने का प्रयास कर रहे थे। हेयर इज अ सैंपल ऑफ द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स द होम डिपार्टमेंट गॉट फ्रॉम द डिफरेंट डॉकयार्ड्स। डॉकयार्ड्स होते हैं जो बंदरगाह होती हैं उनको बोला जाता है, और उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी, ये नीचे उनके कुछ नमूने दिए गए हैं। बॉम्बे अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एस्टेब्लिशमेंट। बम्बई में इस बात का इंतजाम कर लिया गया था कि सेना जो जहाज है, एस्टेब्लिशमेंट मीन्स यहाँ दफ्तर यानि कि ऑफिस पर कब्जा कर लें, और जो रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर, और जो शाही नौसैनिक जहाज थे वो अभी भी बंदरगाह से बाहर थे। कराची 301 म्यूटिनियर्स आर अंडर अरेस्ट। उनमें से जो 301 विद्रोही है कराची में उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंड ए फ्यू मोर स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड। और उनमें से जिन पर बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्गली सस्पेक्ट हो रहा था उनको अरेस्ट कर लिया गया। ऑल एस्टेब्लिशमेंट आर अंडर मिलिट्री गार्ड्स। और ये जितने भी सरकारी दफ्तर है वो सैनिकों की निगरानी में थे।
विशाखापट्टनम द पोजीशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल, वहाँ पर जो पोजीशन है वो सारी कंट्रोल में थी। एंड नो वॉयलेंस हैज अकर्ड, और वहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं थी। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, और जो सैनिक हैं उन सभी को जहाज़ों में और ऑफिसर जो ऑफिस थे वहाँ पर तैनात कर दिया गया था। नो फर्दर ट्रबल इज एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट दैट ए फ्यू मैन मे रिफ्यूज टू वर्क, और किसी को वहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी की कोई उम्मीद नहीं थी। और कुछ सिपाही वहाँ पर, और उनको संदेह था कि, और ऐसा संभव था कि कुछ सिपाही काम पर न आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशंस रिपोर्ट नंबर 7 फाइल नंबर 5 2140 1946 होम पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर्वेस बिकेम इम्पोर्टेंट, जो सर्वेस सर्वेक्षण महत्वपूर्ण हो गए। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो औपनिवेशिक शासन है उस समय पर जो सर्वे हैं सर्वों का कार्य काफ़ी कॉमन हो गया था। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट, अंग्रेज विश्वास करते थे दैट अ कंट्री हैड टू प्रॉपरली नोन बिफोर इट कूड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। अंग्रेज विश्वास करते थे कि किसी कंट्री को अच्छे तरीके से जान लेना काफ़ी बेहतर है, बिफोर से पहले इट कूड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड, ताकि इस पर प्रभावशाली तरीके से शासन किया जा सके। यानी इट मीन्स कि किसी भी क्षेत्र पर प्रभावशाली तरीके से शासन करने के लिए उस कंट्री को अच्छी तरीके से जानना उनके लिए महत्वपूर्ण था। बाय द अर्ली 19th century डिटेल्ड सर्वेज वर बींग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। 19th century के प्रारंभ में सर्वेज वर बींग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री, पूरे देश का जो नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। इन द विलेज गांवों में रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड, गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। दी एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, और इस एफर्ट को टोपोग्राफी नाम दिया गया। टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति, और स्थलाकृति इसमें जो नदी या पर्वत होते हैं उनकी स्थितियों को दर्शाया जाता है या उनका पता लगाया जाता है। द सॉयल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फ्यूना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन, और उस क्षेत्र पर शासन के लिए शासन करने के लिए यह जानना जरूरी था वहाँ की जो मिट्टी की क्वालिटी के बारे में, द फ्लोरा वहाँ की वनस्पति के बारे में, द फ्यूना पशु पक्षियों के बारे में, द लोकल हिस्ट्री जो उनकी जो स्थानीय इतिहास है उसके बारे में, एंड द क्रॉपिंग पैटर्न और जो फसलों का जो प्रोड्यूस करने का जो पैटर्न होता है उसके बारे में, इन सभी फैक्ट को जानना उनके लिए जरूरी था। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century, 19th century के एंड तक सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। सेंसस मीन्स जनगणना, जनगणना का जो ऑपरेशन है वो हर प्रत्येक 10 साल में किया जाता था, उसको हेल्ड किया जाता था। दिस प्रिपेयर डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया, और भारत के जो प्रांत हैं उसमें लोगों की संख्या का पता लगाने के साथ साथ नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट रीजन एंड ऑक्यूपेशन, उनकी कास्ट यानि कि लोगों की जो जाति है, धर्म है, ऑक्यूपेशन जो व्यवसाय है उनका भी एक रिकॉर्ड बनाकर तैयार किया जाता था। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, इसके अलावा दूसरे सर्वे भी थे जैसे बोटनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज जो बॉटनी वनस्पति से रिलेटेड सर्वे होते थे, जूलॉजिकल प्राणी से रिलेटेड यानी कि पशु पक्षियों से रिलेटेड, आर्कियोलॉजिकल सर्वे
पुरातत्व सर्वे होते थे और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, ये मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण होते थे, फॉरेस्ट सर्वेज, जंग वन सर्वेक्षण आदि, ये सर्वे भी उनके साथ होते रहते थे। कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770s, ये एक कस्टर्ड एप्पल प्लांट है जो 1770s में इस चित्र को बनाया गया था। उसके बॉटनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमन, स्पेसिमन मीन्स होता है नमूना, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूज। अंग्रेजों द्वारा जो बॉटनिकल यानी कि प्राकृतिक जो उद्यान बनाए गए थे, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स बनाए गए थे, उनमें इन स्पेसिमन, इन प्लांट के जो नमूने हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाता था और इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती थी कि इनका यूज किस तरह किया जाता है। लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रा पिक्चर्स ऑफ दिस स्पेसिमन्स, और इन नमूनों की तस्वीर बनाने के लिए जो स्थानीय कलाकार हैं उनको कहा जाता था। हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द वे सच इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड एंड व्हाट दिस इंफॉर्मेशन रिवील्स अबाउट द नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म, और इतिहासकार अब इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जो जानकारी इकट्ठा की जाती थी उसके बारे में जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद के बारे में हमें क्या पता चलता है, रिवील्स होता है पता चलना, उसके उपनिवेशवाद के बारे में हमें क्या सूचनाएं मिलती हैं। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, जो ज़्यादातर रिकॉर्ड्स से हमें क्या पता नहीं चलता है। फ्रॉम दिस वास्ट कोरेप्स ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो आ लोट, रिकॉर्ड्स की इस विशाल भंडार से, कोर्ट्स मीन्स होता है भंडार, इन रिकॉर्ड्स के जो विशाल भंडार थे उनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट, लेकिन हमें याद रखना चाहिए दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कि ये सरकारी रिकॉर्ड हैं। दे टेल अस, जो हमें बताते हैं, व्हाट द ऑफिशियल थॉट्स, कि जो अधिकारी है वो क्या सोचते थे। व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, और उनकी रुचि किस में है, एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, और वे उन चीज़ों को बचाए रखना क्यों चाहते थे। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प, लेकिन ये रिकॉर्ड्स हमारी हर समझ को दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड, लेकिन जो ये रिकॉर्ड्स हैं ये हमें हर बार समझने में मदद नहीं करते। वट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट, कि कंट्री में जो देश में दूसरे लोग थे वो क्या महसूस करते थे, एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, और इन सभी एक्शंस को करने के पीछे उनकी क्या वजह थी। फॉर व्हाट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, और इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन पेलेंटी, और जब हम इन स्रोतों की तलाश करते हैं, इन स्रोतों को खोजते हैं, तो वो हमें बहुत अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। दाउ दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जबकि जो ये रिकॉर्ड्स हैं सरकारी रिकॉर्ड्स के अलावा इन रिकॉर्ड्स को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स, हमारे पास लोगों की जो डायरी होती हैं इन स्रोतों के, सरकारी जो स्रोत हैं उनके अलावा हमारे पास लोगों द्वारा लिखी गई डायरीज होती हैं। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स, जो पिलग्रिम्स मीन्स जो पवित्र स्थान है उनके लेखे जोखे होते हैं, एंड ट्रैवलर्स और यात्रियों के लेखे जोखे और तीर्थ स्थानों के लेखे जोखे होते हैं। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, और जो मुख्य जो व्यक्ति होते थे उनकी ऑटोबायोग्राफी होती है। एंड पॉपुलर बुकलेट्स, या फिर प्रसिद्ध जो पुस्तकें या फिर प्रसिद्ध पुस्तकें होती है, दैट वर सोल्ड इन लोकल बाजार्स, जो लोकल बाजार्स में बेची जाती थी। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, और जैसे जो
प्रिंटिंग है उसकी टेक्नोलॉजी के फैली, न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाने लगे एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक। और जो आम जनता है वो इश्यूज यानी कि जो मुख्य मुद्दे होते थे उन पर डिबेट वो करते थे, वाद विवाद करते थे। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोइट्स एंड नोवेलिस्ट्स रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। जो नेता और सुधारक रिफॉर्मर्स होते हैं, जो समाज सुधारक होते हैं उनको बोला जाता है। रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज, वो अपने आइडियाज़ को के फैलाव के लिए लिखते थे ताकि उनकी जो आइडियाज हैं वो सभी को पता चले। पोइट्स एंड नोवेलिस्ट, जो कवि और नोवेलिस्ट होते थे, लेखक होते थे, रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, वो अपनी फीलिंग्स यानि कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा करते थे। ऑल दिस सोर्सेज, ये सभी सोर्स या स्रोत हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, और ये जो स्रोत हैं वो उनके द्वारा लिखे जाते थे जो पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे। फ्रॉम दिस वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लाइव्ड बाय द ट्रिबल्स एंड द पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स। लेकिन ये सारे जो स्रोत हैं उनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी ट्रिपल्स आदिवासी पीजेंट्स किसान, वर्कर्स इन द माइंस जो खादानों में काम करने वाले मजदूर थे, और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स या फिर जो सड़कों पर रहने वाले गरीब लोग थे उनके जीवन के बारे में पता लगाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। येट दिस कैन बी डन इफ वी मेक अ लिटल बिट ऑफ एफर्ट, अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में जान सकते हैं। When you read this book, you will see how this can be done. जैसे जैसे आप इस बुक को आगे पढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। Not fit for human consumptions, इंसानों के खाने लायक नहीं है। Consumptions होता है खाने लायक। Newspapers provide accounts of the movements in different parts of the country, अखबारों से देश के विभिन्न भागों में चल रहे आंदोलनों का हमें पता चलता है। Here is a report of a police strike in 1946, जो यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है वो 1946 की है। 1946 में पुलिस की जो हड़ताल हुई थी उसकी एक रिपोर्ट है। More than 2000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries and the bad qualities of food supplied to them from the police lines kitchen. दिल्ली में 2000 से भी ज़्यादा पुलिस वालों ने थर्सडे यानि बुधवार बृहस्पतिवार सुबह अपना खाना खाने से मना कर दिया। जो वहाँ के बावर्ची खाने से आता था उनके अनुसार जो फूड की जो क्वालिटी है जो उनको सप्लाई किया जा रहा था वो अच्छी नहीं थी, और साथ में जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अपने कम वेतन को लेकर भी कर रहे थे। एज द न्यूज़ स्प्रेड टू द अदर पुलिस स्टेशंस, और जैसे ही यह न्यूज़ दूसरे पुलिस स्टेशंस तक पहुँची, द मैन देयर आल्सो रिफ्यूज टू टेक फूड, और उन लोगों ने भी खाना लेने से मना कर दिया। वन ऑफ द स्ट्राइकर सेड, उनमें से एक स्ट्राइकर ने कहा, दी फूड सप्लाइड टू अस, कि जो फूड उन्हें सप्लाई किया जाता है फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन, जो पुलिस लाइन्स किचन से रसोई से आता था, इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, वह इंसानों के खाने के लायक नहीं है। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट, हमें जो चपाती और दाल खाने के लिए दी जाती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। हेयर वी कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ चैप्टर फर्स्ट। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी डू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।